परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्रीमणी महारानी की जय। भागवत भगवान की जय। सरस्वती मात की जय। गणपति सरकार की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गौरा महारानी की जय। गणेश जी महाराज की जय। संत सद्गुरुदेव गौ माता की चिंता संतान हंता यदानु बोल गोपाल कृष्ण भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी वैष्णव भक्तगण आनंदमय प्रभु की पावनमय कथा श्रीमद् भागवत
कल्लू जी महाराज का पावन विवाह महोत्सव ১০৮ विद्वान ब्राह्मण द्वारा भागवत पटरानी का स्तवन स्मरण कथा में विराजमान परम कथा रसिक आदरणीय साक्षी देवी जी, कथा में विराजमान परम आदरणीय कथा रसिक श्री हर्ष शास्त्री जी, कथा में विराजमान परम आदरणीय बद्रीनारायण महाराज का श्रृंगार करने वाले श्रृंगारी बाबा एवं सभी देश विदेश से पधारे और मेरे नगर के श्रोता बाही में मुख्य मनोरथी के रूप में विराजमान श्री राकेश जी सिंबल भोपाल का परिवार, प्रभु की करुणा से आज कथा के पुनित पंडाल में मानक भाग में भागवत जी के चतुर्थ दिवस में अपन प्रवेश कर रहे हैं। नारायण की करुणा और परमात्मा की कृपा बिना एक पग भी चलकर कहीं जाना बहुत कठिन है। और कुछ प्रभु की कृपा ही है, करुणा ही है जो अपन भगवान की पावन कथा में यहां विराजमान है। कार्तिक का महीना आज आंवला नवमी का दिन, जिस समय पर स्वयं भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ में भगवान कुबेर जी के भवन में प्रवेश करते हैं, ऐसे आंवला नवमी के दिन अपन सब भगवान की पावन कथा श्रवण करने के लिए बैठे। मानव का शरीर पाना बहुत सरल है, आप थोड़ा दान करो, थोड़ा पुण्य करो, थोड़ा सत्कर्म करो, थोड़ा भगवान का भजन कर लो, मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाएगा। पर मानव के शरीर को पाकर भगवान का भजन करना और इस चित्त चिदानंद वृत्ति को परमात्मा तक ले जाना, ये बहुत कठिन। अपने मन को वहां तक लेकर जाओ, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना तेरा भजन करूं उतना ही मचलता। इस मन को हम परमात्मा की ओर लेकर जाएं तो ये मन परमात्मा से में हटकर कहीं काम में, कहीं लोभ में, कहीं विषयों में, कहीं आसक्ति में, कहीं तृष्णा में, कहीं ना कहीं डूब रहा है। सत्संग में बैठने के बाद भी, हवेली जी में बैठने के बाद भी, परमात्मा की कथा में पहुंचने के बाद भी ये वृत्ति उस परमात्मा तक नहीं पहुंच पाती। और हम पूरी जिंदगी, मनुष्य का जीवन जो मिला है, हम पूरा जीवन, पूरा जिंदगी हम यही सोचने में लगा देते हैं कि परमात्मा को पाने का तरीका क्या है।
हम यज्ञ करें तो भगवान मिल जाएगा, हम दान करें तो परमात्मा मिल जाएगा, हम पुण्य करें तो परमात्मा मिल जाएगा, हम सत्कर्म करें तो परमात्मा मिल जाएगा, हम भागवत के पंडाल में पहुंच जाएं तो परमात्मा मिल जाएगा। परमात्मा मिलेगा कैसे? परमात्मा की प्राप्ति का साधन, परमात्मा की प्राप्ति का केंद्र बिंदु भगवान मिले तो मिले कैसे? उसके प्राप्ति का साधन है क्या? तो हमारे शास्त्र कहता है परमात्मा को पाने का सबसे सुंदर तरीका है कि आपके मन की निर्मलता। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। अगर मन शुद्ध है, भाव शुद्ध है, तो परमात्मा आपके संग है, और अगर मन शुद्ध नहीं तो परमात्मा भी नहीं। मन की शुद्धता में परमात्मा का दर्शन है। किसी को आप भरपेट भोजन नहीं करा सकते, मत कराइए। आप किसी के चरण नहीं दबा सकते, मत दबाइए। आप किसी को प्रणाम नहीं कर सकते, मत करिए। पर कथा कहती है आप मुख से, अपनी वाणी से निवेदन है किसी को ठेस ना पहुंचाइए। क्यों? एक पत्थर का मारा हुआ घाव तो कभी भी भरा जाएगा, आप मल्लम पट्टी करवा कर भी भर लो। पत्थर का भरा हुआ घाव तुम कभी भी भर सकते हो, पर एक वाणी का जो घाव है, एक शब्दों की जो मार है, ये दुनिया में कोई नहीं भर सकता। सास अगर बहू को अपशब्द कहती है, ताना देती है, गालियां देती है, कुछ कहती है, तो बहू भले सेवा करेगी, सब कुछ करेगी और सास चली भी जाएगी, पर निवेदन है कि उस बहू के हृदय में, चित्त में, वृत्ति में वो बात सदा लगी रहेगी जो सास ने कही है। भले वो अच्छी जगह पर पहुंच गई है, वो अपने स्थान पर पहुंच गई, पर वो वाणी लग जाती है। इतनी मीठी वाणी को बोलने का प्रयास करो। इतनी मीठी वाणी बोली है। कई लोग कहते हैं भगवान कृष्ण ने आखिर बंसी ने ऐसा पुण्य कौन सा करा कि भगवान उस बंसी को अपने पास में रख लिए। कोई बंसी से पूछे तो सरी की सांवरिया के पास में अधरों तक तू पहुंची कैसे? तू भगवान तक क्यों पहुंची, कैसे पहुंची? तो बंसी भी कहती है मुझे देखकर ईर्ष्या न करिए, मुझे देखकर जलन ना रखिए। बंसी कहती है पुले मुझे देखो, मैं बांस के पेड़ से कटी, फिर जम के बोलो छिली, फिर छेदी। कितना कष्ट सहन करा है तब जाकर भगवान के अधर तक पहुंची, और अधर पर पहुंचने के बाद भी बंसी कोई भी बजा ले, जिसको बजाना आए वो भी बजाए, जिसको बजाना नहीं आए वो भी बजाए, बंसी बजा कर देखना। वो बंसी कभी कड़वा नहीं बोलती, चाहे बजाने वाला को बजाना आए चाहे नहीं, वो हमेशा मीठा ही बोले। मिठास से परिपूर्ण ही रहे। कटी छिली छेदी गई।
फिर गई हूं अधर। अगर भगवान उसको रखा है तो उसके पीछे उसके दुख को भी तो देखा जाए। फिर वही कल वाला वचन आ गया कि गोपाला तेरी बंसी नंदलाला तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया हमें मस्ताना कर दिया। नंदलाला तेरी बंसी ने नंदलाला तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया मस्ताना कर दिया। गोपाला तेरी बंसी ने नंदलाला तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया हमें मस्ताना कर दिया। नंदलाला तेरी मुरली नंदलाला तेरी बंसी ने दीवाना कर दिया हमें मस्ताना कर दिया हमें दीवाना कर दिया हमें मस्ताना कर दिया हमें दीवाना कर दिया हमें मस्ताना कर दिया। कुछ नहीं है मेरे पास जो दे दूं आपको कुछ नहीं है मेरे पास जो दे दूं आपको। एक दिल था वो बिना नजराना कर दिया एक दिल था वो भी आपको नजराना कर दिया नजराना कर दिया। गोपाला तेरी बंसी ने नंदलाला तेरी बंसी ने गोपाला तेरी बंसी ने नंदलाला तेरी बंसी ने दीवाना कर दिया हमें मस्ताना दीवाना कर दिया हमें मस्ताना कर दिया। नहीं है मेरे पास
जो दे दूं आपको, कुछ नहीं है मेरे पास जो दे दूं आपको, कुछ नहीं है मेरे पास जो दे दूं आपको, कुछ नहीं है मेरे पास जो दे दूं आपको, कुछ नहीं है मेरे पास जो दे दूं आपको, कुछ नहीं है मेरे पास जो दे दूं आपको, एक दिल था वो भी आपको नजराना कर दिया, एक दिल था वो भी आपको नजराना कर दिया, नजराना कर दिया, नंद लाला तेरी बंसी ने गोपाला के दीवाना कर दिया, हमें मस्ताना कर दिया, हमें दीवाना कर दिया, हमें मस्ताना कर दिया, हमें दीवाना कर दिया, हमें मस्ताना कर दिया, हमें दीवाना कर दिया, हमें मस्ताना कर दिया, हम से जय हो। परमात्मा के अधरों तक वो पहुंची है। आप जीवन में एक प्रयास करिए, सुख मिला बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत अच्छे, बहुत आनंद हुआ, बहुत सुख मिला, बहुत प्रसन्न हो गए, और दुख मिला तो बहुत रो भी लिए। और भगवान से कहा, भगवान बहुत कष्ट दिया है, बहुत तकलीफ में है, थोड़ा हमारे जीवन को सवार दो। पर यदि एक संत का जो लक्षण होता है, एक संत का जो स्वरूप होता है, एक संत का जो भाव होता है, वो परमात्मा से कहता रहता है, परमात्मा
हमारे जीवन में सुख और दुख ये दो पहलू सबकी किस्मत में लिखे हैं, सही है कि गलत है? अरे बोलो जमके। आपकी किस्मत में भी सुख है, आपकी किस्मत में भी दुख है। ऐसा मनुष्य कोई पृथ्वी पर नहीं जन्मा जिसके भाग्य में सुख और दुख ये दो नहीं, सबकी किस्मत। पर भगवान से इतना कहते हैं ना, भगवान हमारे हिस्से का जो दुख है ना, उसको जैसे माँ रोटी बनाती है ना, तो आटे में थोड़ा सा नमक डालती है जिससे रोटी का स्वाद बढ़ जाए। भगवान से कहना, भगवान हमारे किस्मत का सारा दुख इकट्ठा कर लो, और जब जब मैं सुख की घड़ी में रहूं, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा देते रहना, तो मैं सहन करते रहूंगा। तू एक साथ दे देगा तो सहन दे, थोड़ा रोटी ज्यादा खारी हो जाएगी तो कोई नहीं खा पाएगा, उसको नली में डालना पड़ेगा, गाय को डालना पड़ेगा, कहीं पिटकना पड़ेगा, खड्डे में दबाना पड़ेगा। पर वही रोटी में अगर थोड़ा नमक है तो उसमें स्वाद है, थोड़ा नमक स्वाद देगा, दुख तो मिलना है। हम कहते हैं कई बार कथा में आप लोगों को, और आप लोगों ने सुना भी होगा, भगवान से नहीं डरना मत डरो, वेद और पुराण से नहीं डरना मत डरो, गुरु और शिष्य से नहीं डरना मत डरो, मंदिर और देवालय से नहीं डरना मत डरो, अपने माता पिता से नहीं डरना मत डरो, आपके घर के बड़ों से नहीं डरना मत डरो। पर निवेदन है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है, कर्म का भोग तो वो परमात्मा भी भोगता है। परमात्मा को भी कर्म का भोग भोगने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। राम अगर बनकर जन्मे हैं तो ये कर्म का भोग भोगने के लिए जन्म है, कृष्ण बनकर भी जन्मे हैं तो कर्म का भोग भोग। आप पृथ्वी पर आ जरूर गए हो, पर क्यों जन्म हुआ कभी विचार करिए तो मन में आ जाएगा कि हमारा जन्म क्यों हुआ, हम पृथ्वी पर क्यों। एक गांव का व्यक्ति था, शादी करा, पत्नी घर में आ गई, शादी के 1.5 साल बाद उसके घर में औलाद हो गई, एक पुत्र पैदा हुआ, पुत्र हुआ, पुत्र होने के 3 महीने बाद उसकी पत्नी मर गई, उसने दूसरी शादी कर ली, दूसरा पत्नी आई, उसका भी एक पुत्र हो गया, और वो पत्नी भी 6 महीने के बाद मर गई। घर में कौन कौन है? बाप और 2 बेटे। पिता ने सोचा भाग्य में पत्नी सुख नहीं है, इसलिए मेरे को अब विवाह नहीं करना, बच्चों को बड़ा करा, बड़े बेटे का विवाह करा, घर में बहू आ गई, बहू आने के 1.5 साल बाद वो बाप भी मर गया, पिता भी चला गया। अब घर में कौन कौन है? बड़ा बेटा, बड़ी बहू और छोटा देवर। एक दिन देवर बीमार पड़ गया, और देवर जब बीमार पड़ा, सारे वेद और डॉक्टरों को बुलाकर उसका इलाज करवाया गया, बहुत पैसा खर्च करा गया, पर वो ठीक ही नहीं हो पा रहा था। इतने में पत्नी ने अपने पति से कहा, आपने इलाज में बहुत पैसा लगा दिया, एक काम करिए, ये ठीक नहीं हो रहा ना, कोई ऐसा डॉक्टर ढूंढ लो जो थोड़ा थोड़ा सा
स्लो भाईजन दे दे और अपन अपने इस आपके छोटे भाई को मेरे देवर को थोड़ा थोड़ा सा स्लो भाईजन खिला दे और लोग समझेंगे बीमारी में मर गया और मर जाएगा और जमीन जायदाद का हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा और अपने ही अपना राज हो जाएगा। ठीक है, पति गया एक डॉक्टर से स्लो पायजन लेकर आ गया, धीरे धीरे देना चालू कर दिया, देवर मर गया। देवर मरा, 8 महीने बाद उस बहू के घर में एक बेटे ने जन्म ले लिया। बेटा बड़ा हो गया, खूब आनंद में रहा, बड़ा हुआ, बड़ा होकर बेटे की शादी हो गई। बेटे की शादी हुई, बहू घर में आई और जिस दिन बहू घर में आई उसके 10 महीने के बाद बेटा बीमार पड़ गया। ऐसा बीमार पड़ा, पूरे डॉक्टर वेद बुला बुला कर इलाज करवा करवा कर पैसा लगाते गए लगाते गए लगाते गए, खूब डॉक्टरों में पैसा भरा, ठीक नहीं हुआ, ठीक हुआ ही नहीं। महाराज बाप बेटे के सिर के पास बैठकर रो रहा था, मेरी पूरी जायदाद मैंने बेच दी, आधी से ज्यादा मेरी जायदाद बिक गई और तू ठीक नहीं हो रहा। बाप रोता रोता बाहर जाने लगा, इतने में बेटे ने आवाज लगाई, भैया मैंने अपना हिस्सा तेरे घर में जन्म लेकर निकाल ही लिया। भैया मैंने अपना हिस्सा तेरे घर में जन्म लेकर निकाल ही लिया। बाप को लगा दवाई का असर हो रहा है इसलिए कुछ आड़ा टेढ़ा बोल रहा है। बेटा मैं तेरा भाई नहीं, मैं तेरा बाप हूं। वो कहता कौन बाप? बाप नहीं हो आप, मेरे भाई हो। पूर्व में मुझे जहर देकर मार दिया था जमीन और जायदाद के लिए, मैं तुम्हारा बेटा बनकर अपना हिस्सा बराबर कराकर अपना हिस्सा अपने ऊपर खर्च कराकर जा रहा हूं, पर तू जा रहा है तो ये तेरी पत्नी ने क्या बिगाड़ा? माना हमने बिगाड़ा, तेरी पत्नी ने क्या बिगाड़ा? भैया ये पत्नी नहीं है, ये वो ही डॉक्टर है जिसने स्लो पॉइजन दिया था, ये मर गया था, मेरी पत्नी बनकर जन्मा है, इसने मुझे मरवाया था, इसलिए मैं भी अपने साथ इसको सती करवाऊंगा। मुझे भी जीते जी मारा था, इसको भी मैं मरने के बाद जीते जी अपने साथ जलवाऊंगा, जीते जी। ये हमारे कर्म का भोग है। अग्नि पुराण में लिखा है यदि आपके पांव में ठोकर भी लगी है तो समझ लेना आपका कोई कर्म आपके सम्मुख में आया है। ठोकर भी लगी है, आप यदि थोड़ा दुख झेल रहे हैं। कई लोग कहते हैं बहुत अच्छा था वो, उसको ऐसा क्यों हो गया? बहुत अच्छी थी वो ऐसी क्यों हो गई? ये उसके आज का कर्म नहीं है। ना जाने कितने कितने जन्म हम भोगते 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 कर्म करते करते मनुष्य की देह की ओर आए हैं और पूरी 84 लाख योनियों में केवल एक योनि मनुष्य की ऐसी होती है जो उस कर्म को काटने की होती है। चींटी बनकर तुम अपने कर्म का भोग नहीं भोग सकते, पशु पक्षी बनकर आप अपने कर्म का भोग नहीं भोग सकते। क्यों? अगर जानवर बनकर भी आप अपने कर्म का भोग भोगोगे तो आप ज्ञात क्या होगा कि हमारा हमने कर्म क्या करा? पर मनुष्य देह धारण करने के बाद जब थोड़ी सी तकलीफ आती है तो
आपके मुंह से निकलता है, हमने ऐसा कौन सा कर्म करा जो आज हमें भोगना पड़ रहा है? तो ये पूर्व का करा हुआ याद आ, हम जो पूर्व में कर हमारे पूर्व का करा हुआ कर्म का भाग हमें हमें ज्ञात हो रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है कि अच्छी करनी करो रे भैया, कर्म न करियो काला रे, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने काय की निगाह में, हम कैमरे की सब दूर लगे उसके और वो देख रहा है। जैसे पूरे पंडाल में, भोजनशाला में, काउंटर पर, दरवाजे पर, भोजनशाला हर जगह पर, जैसे हमारी विटले सेवा समिति ने भी 23-24 कैमरे लगवा रखे हैं, उसी तरह आपको भी हम कैमरे की निगाह में रखे हैं, उसी तरह परमात्मा भी आपको अपनी निगाह में रखा हुआ है, अपनी निगाह। एक चोर चोरी करने के लिए गया और पानी गिरने लगा, पानी गिरा तो एक संत के आश्रम में चले गया, संत की कुटिया में चोर जाकर बैठ गया। संत ने कहा तू कौन? मैं चोर, निकल मेरे यहां से, मैं चोर को अपने घर में नहीं रख सकता, निकल जा, निकलो बाहर, किसी चोर को मैं आश्रय नहीं दे सकता। चोर को बरसते पानी में निकाल दिया उस संत ने और वो बरसते पानी में बाहर खड़ा था। बाहर बरसते पानी में खड़ा और इतने में भगवान, संत जो अंदर था, भगवान वहीं पर प्रकट हो गए और भगवान ने कहा वाह रे वाह, गजब है रे संत, तू तू तो अपने आप को संत कहता है, साधु कहता है, सन्यासी कहता है, तपस्वी कहता है, जोगी कहता है, धन्य है तू। तो जोगी सन्यासी संत होकर, अरे तुझे तो अभी मालूम पड़ा कि ये चोर है तो तूने घर से निकाल दिया, पर मुझे तो मालूम था इसके जन्म के पहले ही कि ये चोरी करेगा, उसके बाद भी मैंने अपनी सृष्टि पर रखा, अपनी सृष्टि पर, मुझे मालूम था ये क्या बनेगा, उसके बाद भी मैं रख रहा हूं। आज हम कुर्सी पर बैठे थे तो ये कुछ लोग बड़ौदा के अहमदाबाद वाले और ये लोग जो आए हुए हैं कर्नाटक से, ये भाई लोग बोले गुरुजी, खरगोन वाले भी बोल रहे थे, आप अभी इधर दिख रहे थे, कहीं किधर चले जाते हो, कहीं किधर चले जाते हो, और सवेरे 6:30-7 बजे से आप आ जाते हो, रात को 12 बजे जा रहे हो, ये कैसे हो रहा है? हम कहते हैं भैया, कथा बाँचना और बाँच कर छोड़ देना, कह दिया आप लोगों को, ज्ञान दे दिया कि ऐसा करो वैसा करो और आपने उसको ग्रहण कर लिया, और कथाकार, कथा बाँचने वाला स्वयं अपने ऊपर कुछ ग्रहण ही ना करे तो ऐसा कथा बाँचना उसका निष्फल, उसका निष्फलता। आप सब दूर दूर से ट्रेन में चलकर रास्ता सफर करते 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 पूरी रात, दो दो रात चलकर, कोई पंजाब, कोई उड़ीसा, कोई उत्तराखंड, कोई कहीं से यहाँ तक आ रहे हो, और हम अपना घर छोड़कर भी अगर यहाँ नहीं बैठे और 4 दिन की रात फिर सो लेंगे, जिंदगी पड़ी है सोने की, पर आप लोगों की सेवा कब कर पाएंगे? बिटले सेवा समिति ने पर्चे में लिखवाया है, पलक पावड़े बिछाकर समिति खड़ी है। तो पलक पावड़े का मतलब ये होता है कि रात दिन आप खड़े रहे आगमन के लिए,
अतिथि और मृत्यु और ग्रह जम के बोलो, अतिथि मेहमान, मृत्यु और ग्रह, कब कितनी बजे किस समय आपके दरवाजे पर पहुंच जाए किसी को मालूम नहीं है, किसी को नहीं मालूम कितनी बजे आएगा। आना की ट्रेन 4 बजे पहुंच गई, 3 बजे क्या कर लो, ये अतिथि मृत्यु का भी ठिकाना नहीं है, कब आ जाए, किस क्षण किस घड़ी किस पल। ऐसी कौन सी घड़ी है जब मृत्यु आपके दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाए, कोई ठिकाना है। बचपन जवानी अधेड़ी को निकालकर बुढ़ापे का इंतजार न करिए कि बुढ़ापा आएगा तो राम कहेंगे, बुढ़ापा आएगा तो हम कृष्ण कहेंगे। भगवत भजन का चित्त चिदानंद वृत्ति का समय निश्चित नहीं होता। शुरू दिन की शोभा यात्रा निकल रही थी, कौन से दिन की, शुरू दिन की कोतवाली चौराहे पर शोभा यात्रा पहुंची। एक फूल वाला हमारे भरत जी अग्रवाल से कहता है, भैया मैं फूल ये पन्नी ले जाओ, तुम फूल पटक दो यात्रा के ऊपर। उसने भरत भैया बोले, तुम क्यों नहीं पटक रहे, मैं अभी नहाया नहीं। भाव देखिए उसका, मैं अभी नहाया नहीं। ओ भाई, भागवत कहती है, भागवत वर्णन करती है, बाथरूम में जाकर नदी में कूद कर साबुन लगाकर बाथरूम में लक्स और पियर्स को घिसकर जो आपने बाथरूम में नहाए हो उसको केवल नहाना कहा गया, पर आपने इतना कह दिया कि मैं अभी नहाया नहीं हूं, ये पुष्प मेरी ओर से भगवान को समर्पित कर दो, इसको स्नान कहा गया, इसको स्नान कहा गया। ये नहाने से बड़ा है, नहाने से शरीर साफ होता है, नहाने से अहंकार बढ़ता है, क्योंकि आप जितना लक्स और पेयर्स से मुंडा धोगी 25 बार दर्पण में देख देख के पानी सींचोगे, अहंकार बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। मैं कितनी सुंदर, नहाने से अभिमान बढ़ रहा है और स्नान से अभिमान घट रहा है, स्नान से घट रहा है। नहाना एक अलग बात हो जाती है। यहां विद्वान विद्वान ब्राह्मण 108 भागवत पोथी का पाठ करने के लिए बैठे हैं और ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर ब्राह्मण कृत्य कर आज आनंदित हो रहे हैं। केवल शास्त्र कहता है मीरा भाई कर्मा भाई, कर्मा जाट की छोरी थी, कौन से बामन के घर में पैदा हुई थी, संत रविदास चर्मकार थे, कौन से बामन के घर में पैदा हुए थे, रविदास महाराज, टेकचंद जी महाराज, अजमिन जी महाराज, अग्रसेन जी महाराज, आदिक आदिक जितने भी हैं संतों के चरित्र को उठाकर देखिए, वो बामन के घर में नहीं, वो जिस भी घर में पैदा हुए, पर वो भले वेद और पुराण नहीं पढ़े होंगे, पर ये पक्का है उन्होंने भगवान की भक्ति को इतना धारण करा कि परमात्मा मंदिर की मूर्ति से बाहर निकलकर उनके सामने खड़ा हो गया, उनके सामने खड़ा। और मेरा निवेदन केवल इतना, इस व्यासपीठ से आप दुनिया के चक्कर में प्रपंच में मत पड़ो,
हमें दुनिया के शास्त्र हमारा पुष्टि मार्ग कहता है किसी दूसरे के चक्कर में पड़ने से अच्छा है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने खुद ज्ञान लिया। जब गोपियों का चीर चुराया तो भगवान ने चीर चुराते समय कहा, गोपियों तुम स्नान कर रही हो नग्न अवस्था में, इसलिए मैंने तुम्हारा चीर चुराया। तुम काहे के लिए कर रही हो, कि मैं कात्यायनी का व्रत कर रहे हैं इसलिए। तो कात्यायनी का व्रत क्यों कर रही हो? तो देवी की पूजन है। भगवान कहते हैं जब मैं तुम्हारे नजदीक में हूं तो तुम्हें दूसरी पूजन करने की जरूरत क्या है? कितना सुंदर कहा है मेरे ठाकुर ने कि आपका चित्त यदि एक में रम गया तो फिर दूसरा उस चित्त में समाता ही नहीं, फिर नहीं समाए। फिर एक ही दिखे कौन वो सामा कि आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं। मंदिर में होता क्या है? हवेली जी में होता क्या है? ठाकुर जी के मंदिर में होता क्या है? ना मैं कुछ कहूं ना तुम कुछ कहो, आ बैठ मेरे पास तुझे। बस इन नैनों से मैं आपको निहारूं और आप मुझे निहार लो। एक क्षण जब नयन मिल जाए तो मैं तुम्हारा हो जाऊं और तुम मेरे हो जाओ, बस वही पर समाप्त वही। मृत्यु भी आए उस मृत्यु की घड़ी में भी परमात्मा का स्मरण इतना होना चाहिए कि भगवान मैं केवल तुम्हारे चरणों में रमा रहूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तेरे। भक्ति वो कि सुनो सुनो लगे मन में दे। जब जब जिस दिन एक बात याद रखो, आप रोज स्नान करती हो, रोज भोजन करती हो, रोज प्रतिदिन, पर एक बात याद रखना, जिस दिन स्नान करने के बाद आप जब रोज भगवान के मंदिर जाती हो, रोज ठाकुर जी की सेवा करती हो, रोज भागवत का पाठ करती हो, रोज स्मरण करती हो, और जिस दिन स्नान के बाद आपकी सेवा नहीं हो पाए, जल्दी जल्दी में कहीं जाना पड़ जाए और सेवा छूट जाए और उस दिन आपका चित्त ना लगे, समझ लेना कि आपको भगवान ने अपने से बांध रखा है। किसने बांधा है? सुनो सुनो लगे मन देश, प्रभु तेरे पास बुलाने, सतगुरु मेरो संदेश हरी से जाए सुना देना, सतगुरु मेरो आता
द्वारिकाना मुझे तेरे पास बोला भगवान की जय। जय श्री राधे। भगवत तत्व की प्राप्ति का मूल उद्देश्य
उद्देश्य है परमात्मा की भक्ति, चाहे वो फिर किसी भी रूप में प्राप्त हो। पर हम कपट कर कर, छल कर कर, बेईमानी कर कर, प्रपंच कर कर भगवान को प्राप्त ना करें। भाव की शुद्धता, भाव की शुद्धता और निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भाव। कितना भाव होगा? आचार संहिता के चक्कर में लोगों ने इतना डरा कर रखा था कि एक भी फ्लेक्स इस कल्लू जी की शादी का और भागवत का पूरे शहर में कहीं नहीं लगा हुआ दिखेगा। एक भी गेट इस कल्लू जी के विवाह का और 108 भागवत का कहीं लगा दिखा नहीं होगा। उसके बाद भी आपके घर निमंत्रण पहुंचा नहीं पहुंचा, कुछ तो मेरे ठाकुर जी ने आपको जिंदगी में दिया होगा, इसलिए आप आ गए। कुछ उसकी करुणा हो गया, ये आपका प्रेम। हम कई बार सोचते हैं, हम कार्यकर्ताओं से भी कहते हैं, एक अम्मा आधा किलो मूंगफली का दाना लेकर आ रही थी एकादशी के लिए। हमने उस माँ को देखकर कहा, माँ एकादशी पर ये मूंगफली का दाना अपनी जगह है, पर तू आशीर्वाद ऐसी देती रहना कि ऐसे ही लोग सत्कर्म करते रहें और ऐसे भंडारे चलते रहें। कुछ कृपा हो गई उसको। कोई आड़ा बोलेगा, कोई टेढ़ा बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, पर सांवरे, कोई फूफा, कोई मामा, कोई काका, ऐसी कोई शादी नहीं होती जिसमें एक हाथ का मुंडा नहीं फूले। हुई तुम्हारे घर की ऐसी कोई शादी? ईमानदारी से बोलना, जिसमें किसी का मुंह नहीं फूला। तो कई लोग ऐसे होंगे, मामा काका फूफा बुआ जो भी हो, एक्स वाई जेड, क्योंकि जितने भी शादी में आए हो आप सब तो कोई रिश्तेदारी बन के आए हो, तो कहीं कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो ये समझना कि अपने घर की शादी है, संभालना है, और कोई करने वाला नहीं, वो करा रहा है, इसलिए आप कर। ये उसकी करुणा। पर मेरे सीहोर की माताओं को, पुरुषों को, बच्चों को और बाहर से आए हुए सारे मेहमानों को आज मेरा दिल करता है कि मैं साष्टांग दंडवत करूं। आप लोगों की सेवा बड़ी प्रथम है साहब, बहुत भाव से आप लोगों ने, ईमानदारी की बात कहता हूं, भंडारा खाली नहीं होने दे रहे हो और भर भर के चले जा रहे हो। आज इस दिल में सबसे बड़ी उमंग अगर खुशी है तो केवल एक चीज की है, बीड़ा हमने उठाया और पार आपने लगाया। ये लोग बोले, गुरुजी इस साल आपने कथई कथा ले ली, एक दिन घर में नहीं रह रहे हो। हमने कहा, भगवान की शादी है, हमारी कोई दुकान धंधा पानी नहीं है, हम कथा करेंगे जो धन मिलेगा, सुदामा चरित्र के चावल मिलेंगे, उसको जोड़ जोड़ के कल्लू का ब्याह करना है। पर बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ करुणा है, मेरा गोवर्धन बाबा तबीयत खराब हो गई थी, बीपी गड़बड़ हो गया था, हॉस्पिटल चले गए थे, एडमिट हो गए, शहर के सभी लोग वहां पहुंच गए, मन उछाले ले रहा था, सबको पत्रिका दे दी, मेरा दादा रह गया गोवर्धन। खत्री भाभी बोली, गुरुजी हवेली जी में दे तो दी, यही गिरिराज जी यहाँ है, पर उसके घर तो जाना पड़ेगा। बीमारी होने के तीसरे दिन गोवर्धन चले गए। बाबा
तुझे आना है अटैच लेकर, करवाना तुझको है। 20-22 साल में आज जो 1008 नंबर की कथा यहां पर कर रहा हूं, उसकी करुणा है और तुम्हें इतना निभाया। पहली मीटिंग में जब कहा था कि पूरे सीहोर का भोजन है कथा में सुनने वालों का, शहर के लोग कह रहे थे पगला है, भूखा है। जब लोग जाएंगे ना यहां से गाली देते देते, तब सारा भंडारा निकल जाएगा। पर मेरा भी विश्वास पक्का है, उसके दरवाजे पर जाकर कहता हूं और वो सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये उसकी करुणा है। कैसे ये बंडल बांध बांध के भेज रहा है, मैं इनको देखकर मेरे मन को सोचता हूं कितनी करुणा उसको। मैं रोज भंडारे में जाकर देखता हूं, आटा तो नहीं घटा नहीं गुरुजी, दाल तो नहीं घटी नहीं गुरुजी, बढ़ रहा है। उसकी कृपा देखो। दुनिया के लोग कहते हैं जो आज 5 साल के लिए आ रहे हैं उनके हाथ जोड़ो, एक के पास भी जाकर नहीं कहा। यहां इतने बैठे हैं पूरे सीहोर में, किसी के घर रसीद काटने नहीं गया, बाहर पत्रिका देने का या किसी से नहीं कहा कि तुम कुछ देना। पर इतना जरूर कहा है कि आ जरूर जाना, क्योंकि आप लोगों के आने से मुझे ऐसा लगता है मेरे 33 करोड़ देवता यहां पर विराजमान। कुछ उसकी कमी, दया। और मैं आपसे भी यही कहूंगा, किसी पर विश्वास मत करो, पर उस ठाकुर पर विश्वास करो। कोई साथ नहीं देता, कोई नहीं देगा। अंतिम समय पर पलंग पर भी पड़े रहोगे ना, अंतिम समय पर पलंग पर पड़े हो, पूरा परिवार चारों तरफ खड़ा हुआ रोता रहेगा, पर साथ देने वाला कोई नहीं रहेगा। और साथ कौन देगा? वही मेरा ठाकुर, वही मेरा सांवरा सामने आकर खड़ा हो जाएगा, उस साथ दे जाएगा, उससे आस लगा। वो आशा घटने नहीं देता, बढ़ाता है। लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, हम कहते हैं सीहोर के मानक बाग में आकर देखो कि मेरा भगवान है कहाँ। हर जगह पर दिख जाएगा, पूरी जगह पर वही नजर आएगा। उसको देखो तो वो मिलने को तैयार बैठा है। धूप में लोग खड़े हुए कथा सुन रहे हैं। कई लोग कह रहे थे इतना बड़ा पंडाल लगा लिया छोटा है, पर जनता ही नहीं आएगी, चुनाव का समय है। भोजनशाला आदि आदि सब व्यवस्था वो करा रहा है। और ईमानदारी की बात है, मेरे शहर की माताएं भाइयों और मेरे बाहर से आए हुए सारे भगवत प्रेमी जीवों वैष्णवों, सत्य बताऊं, आप लोग इतने मन के पवित्र हो कि आपके मुंह से उफ तक नहीं निकल रहा, अगर कष्ट भी हो रहा है तो उफ तक नहीं निकल। ये आपके जीवन की ईमानदारी है, आपके माता पिता की पुण्याई यहां दिखती है। लोग भीड़ कर रहे हैं तो कुछ लोग रुक कर बाद में भोजन करने चले गए। कल अचानक भोजन की व्यवस्था में 1500 लोग एकदम बढ़ गए, और 1500 आदमी जैसे ही बढ़ा, पूड़ी और रोटी की शॉर्टेज पड़ गई। किसी के मुंह से नहीं निकला कि पूड़ी रोटी कम पड़ गई। बढ़िया चल रहा है गुरु जी, बढ़िया चल रहा है। आखिरी तक बड़े प्रेम से फिर आप लोगों ने आनंद पाया। ये कृपा आपके ऊपर, आपके माता पिता की। आपको जो संस्कार आपके घर में मिले हैं वो पुण्यादि संस्कार आपके जीवन के हैं महाराज, पुण्यादि कृपा है उसकी।
राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान तीन पग भूमि को मांगने के लिए गए थे, और तीन पग भूमि केवल भगवान ने तीन पग भूमि मांगने का जो सार्थत्व व्यक्त करना था, प्रमाणित करना था, ये तीन पग भूमि अगर हमको चाहिए, तीन पग भूमि में तुम सही से सो नहीं सकते, तीन पग भूमि में तुम सही से बैठ नहीं सकते, तीन पग भूमि में तुम आखिर करोगे क्या, एक गाय नहीं बन सकते, तो तीन पग भूमि का तुम क्या करोगे। तो कहा महाराज हमको तीन पग भूमि से ज्यादा चाहिए ही नहीं, हमें तीन पग भूमि से ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत है। तो तीन पग भूमि में तुम सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, तो तीन पग भूमि का करोगे क्या। महाराज आपका काम देने का है और हमारा काम लेने का है। कई लोगों के मन में यह प्रश्न हो जाता है, इतना आटा आ रहा होगा, इतना धन आ रहा होगा, कितना बचेगा, कितना खटेगा, पर देने वाला व्यक्ति ये सोचता है अपन तो अपने हाथों से दान कर लो, पुण्य कर लो, आगे जो सांवरिया की मर्जी होगी। जो ठाकुर की कृपा, पर मन में ये विचार न लाया जाए कितना आया कितना गया। शास्त्र यूं कह रहा है, राजा बलि कह रहा है महाराज आप सही से सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, तीन पग भूमि का करोगे क्या। भगवान करे तेरा काम देने का, मेरा काम लेने का, तो दे दे, उसके बाद तुझे विचार नहीं करना कि मैं करूंगा क्या, बस देकर पीछे हट जा, और देने के बाद सोचना नहीं कि करा क्या। एक बात याद रखिए, देना सरल है पर लेना, अरे बोलो, कठिन है। लेना कठिन है, बहुत कठिन। तुमने तो कार्तिक के महीने में दे दिया, और अगर उसमें से एक रुपया भी कहीं गलत जगह चले गया तो रोना किसको पड़ता है। शास्त्र कहता है लेने वाला तो भोगता ही है, भोगता ही है, क्योंकि अगर गलत जगह पर लगाएगा तो भोगना उसको भी है, परंतु जिसने दिया है उसको भी भोगना पड़ता है कि कहीं गलत जगह तो नहीं लग गया। कम से कम आप लोगों को संतुष्टि तो है, आपने जो आटा दिया, चावल दिया, दाल दी, रुपया दिया, एक एक रुपया भी अगर आपने प्रदान करा, आपके मन को संतुष्टि तो है कि हमने सही जगह लगाया, अच्छी जगह पहुंचा है, सत्कर्म की ओर पहुंचा। आपके मन के भाव की शुद्धता है, निर्मलता। आज भगवान ने तीन पग भूमि को नापने के लिए अपने अवतार को बढ़ा लिया, स्वरूप की वृद्धि कर ली, विशाल स्वरूप रखा, विराट नहीं, विराट स्वरूप भगवान ने तीन बार रखा है, एक अर्जुन के सामने, एक माता कौशल्या के सामने, और एक मार्कंडेय ऋषि के सामने। तीन बार भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन दिया, पर भगवान ने विशाल स्वरूप का जो दर्शन दिया वो केवल एक सम्मुखता थी राजा बलि की। इतना विशाल स्वरूप बनाया कि प्रथमी नापी एक में और दूजे में आकाश, एक चरण में पृथ्वी, दूसरे चरण में आकाश नप गया, तीसरा चरण कहां रखूं आप बताइए। राजा बलि रो दिया, क्यों रोया। राजा बलि के रोने का केवल एक कारण था, दरवाजे पर भगवान खड़ा था और मैं उसको पहचान नहीं पाया। दुनिया के लोग जब व्यक्ति चला जाता है तब पहचानते हैं कि हमसे गलती हो गई। अभी कथा हो जाए 7 दिन की, तब जो रे जाएंगे ना, पछतावा उनको होगा कि इतनी आनंदमय कथा हुई, ठाकुर जी का विवाह हुआ, ऐसे मनोरथ, ऐसा फूल फाक, ऐसा सुंदर बना बनी हम अपनी जिंदगी में नहीं देख पाए, और हमारी जिंदगी बेकार है, किस लिए जन्म लिया, हम वंचित रह गए, हमारी वंचिता है, हम वंचित। कल देखा था फूल की होली, अरे बोलो तो राधे, देखी थी, आनंद लिया था, जितनी माताएं आई थी उतने ही पुरुष भी आए थे। कल तो तुमने गजब करा, सबके पकड़ पकड़ के भी ले आई।
धन्य है सबको लेकर। और कल तो आप लोगों ने उनको भी कह दिया, चलो। और जैसे तुमने कल कहा था वैसे दो दिन और कह लो, आज और कल। और आज नहीं भी आए तो कल तो जरूरी है, बहुत जरूरी। और मेरा आप सबसे निवेदन है, अगर पति और नहीं आए तो उनसे एक बार जरूर पूछना कि तुम जन्म लिए उस दिन से लेकर इतने बड़े हो गए, तुम कितनी बारात में गए, पूछना एक बार उससे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो बारात में नहीं गया होगा, बोलो तो सही। जब तुम अपने रिश्तेदारों की बारात में चले गए, कुटुंब कबीले की बारात में चले गए, और वो सारे रिश्तेदार, वो सारा कुटुंब, वो सारा कबीला, वो सारा परिवार केवल यहीं तक का साथी है, सही बारात तो मेरे सांवरिया की है जो वहां तक का साथी है, वो वहां तक का है। अभी तक जितनी बारात अटेंड करी उसको छोड़ो और सुनो, शादी वाला सूट निकालो। कल कोई ड्रेस कोड नहीं है, शादी वाला सूट निकालो। और मेरा सीहोर के सारे पुरुषों से निवेदन है, आप अभी तक जितनी पार्टियों में गए थे, जैसे कोट पेंट गुलाब का फूल बेच जैसे जैसे जाते थे, इत्र परफ्यूम लगाकर ऐसे ही ठाकुर जी की बारात में आओ। और जीजियों आपसे भी निवेदन है, ऐसी सेठानी जैसी आना कि मेरा ठाकुर सेठानी जैसी ही रख दे तुमको, ऐसी आना सेठानी जैसी आई। ये भिलाई से वो जीजी आई है, खड़ी होना जरा, सेठानी जैसी तैयार होके खड़ी तो हो, एक बार देखना टेबल की ना लगे। ये भिलाई से आई है, कथा सुने दिखाओ जरा एक बार सबको, जैसे कृष्ण करो। ये महाराष्ट्र से आई है, खड़े हो जरा, ये महाराष्ट्र से पधारी है, ये सेठानी जैसी तैयार होके दिख रही। कोई कहीं से, कोई कहीं से, क्या शर्म करना, विवाह है भगवान का। और जिसने की शर्म काय का शर्म करना, अलमस्त। सज धज कर। और कहां जा रही हो कोई पूछे तो, हैं बारात में नहीं, अरे वृंदावन जाने को जी चाहता। तो वृंदावन तो बहुत दूर है, फिर यही ब्रज नहीं आ रहा। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने 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 को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन में यमुना बहत 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 है, डुबकी लगाने को जी चाहता, डुबकी लगाने को जी चाहता, हरि वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, दोनों हाथों से श्री राधे। Thank you.
से ताली सेवा देते हैं। वृंदावन में राधा हे रानी, वृंदावन में राधा हे रानी, कौन मेरा मिलाने को राधे, मेरा मिला दे हो जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, जाने को जी चाहता है। जय हो भगवत तत्व का सुख
महाराज भागवत कहती है, शरणागति का बिंदु कह रहा है, भगवत चरणारविंद का सुख कह रहा है, जो सुख परमात्मा के चरण में वो सुख कहीं नहीं। और राजा बलि पहचान नहीं पाया भगवान, और जब राजा बलि भगवान को नहीं पहचाना तब स्वयं भगवान सुख मूल स्थापित करने वाले, मेरे नाथ मेरे नारायण मेरे ठाकुर, रत्नमाला ने इशारा कर दिया और कहा पिताजी अगर देने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप अपना मस्तक झुका दीजिए, और जीवन का सबसे बड़ा सुख यही है, परमात्मा के चरणारविंद में अगर मस्तक नप गया तो वो मस्तक फिर दुनिया में किसी के आगे नपता नहीं, वो नबेगा ही नहीं। महाराज मस्तक नवाया, भगवान ने तीसरा चरण राजा बलि के मस्तक पर रखा, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, गंधर्व गान कर दिए, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हो गया, चारों तरफ सुख, हर जगह पर सुख ही सुख है, और भगवान की भक्ति का मूल सुख यही कहते हैं। अगर मस्तक नप जाए तो जिसको मस्तक नवाया है ना वो भी बंधन में पड़ जाता है। क्या हुआ राजा बलि के साथ में? राजा बलि ने वामन भगवान के सामने अपने मस्तक को नवाया, और जब भगवान के सामने मस्तक नवाया तो राजा बलि के दरवाजे के द्वारपाल स्वयं भगवान हो गए, वो स्वयं बंधन में पड़ गया जिसको माथा नवाया गया, वो स्वतः ही बंधन। स्वयं बंधन में पड़े हुए परमात्मा स्वतः बंधन की ओर पड़े हुए थे, स्वयं लक्ष्मी जी उनको छुड़ा कर लाई है। आगे जो चरित्र आया है वो राजा सत्याव्रत का आया, जिन्होंने एक मछली एक पात्र में जलाशय में थी और स्नान करते समय मछली ने पुकार लिया था, तो उस मछली को एक पात्र में रखा, पात्र की आकृति की वो मछली हो गई, और पात्र की आकृति से छोटी दूसरे पात्र में रखा उसकी आकृति की हो गई, मछली बढ़ती चली जा रही है। जैसे मनुष्य की आकांक्षा बढ़ती है इच्छा बढ़ती है उसी तरह मछली बढ़ रही है, आकांक्षा और इच्छा की तरह मछलियां बढ़ती चली जा रही है, बढ़ रही। और एक बात याद रखिए, जो छुटपन में सुख है वो बड़पन में सुख ना है। महाराज छुटपन का जो सुख है उसके आगे कोई सुख नहीं है बड़पन में। एक छोटा सा जो बालक होता है ना, छोटा बालक, वो जब तक छोटा रहता है ना तो माँ उसको काय में रखती है, अरे बोलो तो जमके गोदी में रखती है, और धीरे 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 जब वो बच्चे को खिलौना दे देती है, बच्चा खिलौने से खेलना चालू कर देता है, तो माँ बच्चे को खिलौना पकड़ा कर और माँ स्वयं उस बालक को खिलौना देकर बालक को जमीन पर सुलाकर गोदड़ी पर सुलाकर माँ अपने काम पर लग जाती है। भगवान भी ऐसा ही, भगवान अपनी गोदी में परमात्मा कब तक रखता है? जब तक आप खिलौने से खेलना चालू नहीं करते, कपट लोभ निंदा चुगली बुराई प्रपंच घर जमीन जायदाद गाड़ी बंगला ये सारा खेल खिलौना है, और आपके हाथ में भगवान ने वो खिलौना दे दिया, आप
अपने खिलौने का विस्तार करा, भगवान आपके पास से ओझल हो गए। कई माताएं कहती है पहले हम जो बोलते थे वो तुरंत हो जाता था, तुरंत। कहीं कहीं जिनके शरीर में देवी देवता नहीं आए, अरे बोलो तो सही, आए कि नहीं आए? हाँ तो जो भी आए, जिनके यहां शुरू शुरू में देवी देवता आए नहीं, तो वो जो बोले उसका वचन बिल्कुल पक्का। पर जहां फिर धीरे धीरे लोभ बढ़ता चले जाता है, धन आना चालू हो जाता है, फिर वो परमात्मा वहां से चला जाता। आपका मन, आप अगर कमाने के उद्देश्य से अगर कोई कृत्य कर रहे हैं, कमाने के उद्देश्य से, हम कई कथाकारों को कहते हैं, चाहे वो शहर के हों चाहे वो बाहर के हों, जिन जिनको हमने कथा का गुरु मंत्र भी दिया तो उनको भी हमने एक ही बात कहा कि भाई कथा अगर आप लोग सीख रहे हैं या कथा आप करना चाहते हो, मना नहीं है, खूब करो, पर इस भागवत को व्यापार मत बनाओ, क्योंकि ये माँ है और माँ कभी बेची नहीं जाती, उसका विस्तार करो, उसको बेचना नहीं है, विस्तार। माँ की कोई कीमत नहीं होती, बेचने का क्रम नहीं है, इसका विस्तार करिए। कमाने के उद्देश्य से कथा सत्संग भागवत स्मरण भजन कीर्तन ये सब नहीं करना है, कमाने के लिए बहुत से स्थान, भागवत जब जब व्यासपीठ पे करने के लिए बैठना, तो हमारा तो सभी से निवेदन है, चाहे शहर के कथाकार हों चाहे बाहर के हों, उनसे निवेदन है इस व्यासपीठ की गरिमा को बनाना, क्योंकि ये व्यासपीठ किसी की नहीं है, ये व्यास जी महाराज की है। जो बैठता है वो थोड़ी देर बाद उतर जाता है, जब तक बैठा तब तक उसकी, और उतरा फिर दूसरे की, जिगादी उसकी, अपना है क्या? जिस घर में रहते हो वो तुम्हारा है क्या? अरे बोलो तो जी जियो, अरे वो भैरू सिंह बोलो तो तुम्हारा है, अरे यो सीओर वाली बोल तो सर, अच्छा अच्छा किसका है? हमारा है, बस सब कुछ तुम्हारा है, पर एक ही तुम्हारा नहीं हुआ, वो सांवरिया कभी नहीं बोली नाथ द्वारे में जाकर, गोवर्धन में जाकर कि तू मेरा, एक दिन बोल देती, सुन ले रहे हो काली है, तू मेरा और मैं तेरी, अगर मैं तेरे दरवाजे पर दौड़ दौड़ के आ सकती हूं तो तुझे भी मेरे यहां दौड़कर आना पड़ेगा और वचन निभाना। उस बच्चन से मीरा भाई एक बार छोटी सी थी, ऐसी दो केला वाली चोटी करी थी, इधर से केला वाली दो फुंदा थी, इसमें की चोटी काला पीपल में बहुत होती केला भाई। पहले हम जब काला पीपल कथा करने गए थे तो अग्रवाल धर्मशाला में कथा थी, वहां अग्रवाल महिला मंडल कथा कर रही, एक डोकरी बुढ़ी अम्मा आगे आगे बैठ गई और दो तरह का रिबिन बांध के, एक नीला एक पीला, और बाल सफेद, चोटी केला वाली। अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुम भी होती ना तो तुम अगर हमारी जगह बैठती तो तुम्हारा ध्यान कथा करते करते मां 25 बार जाता। और जबकि बात दूसरी, 15 साल पहले 18 साल पहले जबकि बात, और वो डोकरी आगे ही बैठे और दो केला की चोटी,
और तीन दांत, बाकी का सब गया। और बढ़िया बाल भी धोला सफेद। अब कथा बाचू तो बाचू कैसे, मन में ही इधर चलते मई जाए चित्त नहीं लगे, कथा बोल रहा हूँ आधी आधी बाच के, सोचो भगवान। और नीरिया गया आखिरी में, तीसरे दिन तो पूछ ही लिया कि ओ अम्मा ये सब एक एक चोटी करके आए तू दो क्या महाराज जी, हर कैसा प्रश्न पूछ लेते हो। तो मैंने कहा मत बता पर छेड़ तो मत ही, मत बता बाद में बताऊंगा। वो शिव पवन के यहाँ हम लोग रुके थे, शिव भी आ गया तो डंडा टेकती 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 वहां आ गए। पीछे वाला दरवाजा था वो पवन सिंह के यहाँ का, इधर चैनल वाला, आवाज लगाई। हम उसी कमरा में सो रहे थे, हमने आशीष से कहा दरवाजा खोल तो आशीष दे फोन आया। हम पूजन में लगे ना, डोकरी आते से पूछे कहाँ है पंडित। आशीष तो अंदर के गुरु जी डोकरी आई है वही केला। अब केला वाली छोटी आज नीली और हरी बांध की है, अंदर आके बैठ गई कुर्सी। महाराज तुम तो हर कोई सा प्रश्न कर लेते हो, ये कोई प्रश्न है? तो सब एक करती तू दो करी इसलिए पूछा, और अलग अलग कलर की करती, क्या एक जैसा रिबन नहीं तेरे घर में? नहीं, बात इतनी सी है, जो नीली वाली है ना ये मेरी है, और ये हरी ये मेरे पति की है। तो पति की क्यों? पहले मेरे पति की भी चोटी थी, उसने कटा ली, मैंने एक बढ़ा ली, मैंने कदर ली। वाह बहुत बढ़िया, पति कटाए तू बढ़ाए, ये धर्म की ध्वजा, धर्म ध्वज। और यही सुख है सब, कथा का मूल आनंद परमात्मा की चरण। एक काशी के महाराज बहुत विद्वान, कथा के रसिक, परम रसिक। और एक बार ट्रेन में बैठ के जा रहे थे, और ट्रेन में बैठ के जा रहे और एक जंगल में एक जगह पर ट्रेन रुक गई, और ट्रेन रुकी तो इन्होंने कहा पानी भर लूं सामने से, और पानी भरने के लिए गए, इतने में ट्रेन चल दी। अब महाराज इतना विद्वान, पोथी पुराण लेके काशी से गांव जा रहा था, और बीच में उतर गया। अब बापड़ा बेचारा बड़ा फंसा, ना कोई पहचान का जंगल में गांव में कोई अपना है ही नहीं, क्या करें। और फिर उसने मन में सोचा अपन तो विद्वान है, विद्वान सर्वस्व पूज दे, क्या करा जाए। तो कि यहाँ के पटेल साहब को ढूंढा जाए, पटेल जी को ढूंढा। अब पटेल साहब को ढूंढा तो पटेल साहब के यहाँ गए, तो पटेल साहब तो देखे ही नहीं, तो पंडित जी थे वही गाँव में, उनके घर चले गए। महाराज राधे राधे हर हर महादेव। पंडित जी भी मुंह बना रहे, ना जाने कहाँ का पंडित आ गया। अब पंडित जी ने मुंह बनाया, इतने में क्या बात है महाराज, हम कथा खाना, हम भागवत जी करते। अच्छा, अब पंडित जी जो गांव में रहते थे, उन्होंने कभी जिंदगी में पोथी पुराण सुनी हो तो बता, भागवत कैसी होती है दिखाओ। तो काशी वाला पंडित ने सोचा बताओ बामन होके केरिया भागवत दिखाओ, महाराज आप हमारी कथा करवा दो हम दिखा देंगे। अब उसने ही नहीं देखी कभी पंडित ने, तो पटेल साहब के घर गया। पटेल साहब तो चिलम लेके ने बैठे हुए थे, वो पहले नहीं चलता था हुक्का, गुड़गुड़ हुक्का वो लेके। पटेल साहब राम राम। पटेल साहब बोले बोलो पंडित कैसे आना हुआ। महाराज एक काशी के महाराज आए हैं, वो भागवत बांचना चाहते। पटेल साहब बोले ये होती कैसी है कि हमने ही नहीं देखी। तो के बुला लो, थोड़ी देर दिखाएगा चले जाएगा। पटेल साहब सोचे जैसे जादूगर नहीं आता, डमरा डमरू लेके पिटारा खोलेगा, पुंगा पुंगी बजाएगा, डमडम करेगा, चले जाएगा। अब बुला लो, सारे गांव में सूचना हो गई, सब गांव के लोग आज सुबह से मुंडा तक नहीं धोए, और सब ऐसे ऐसे आके आस पास में बैठ गए। अब पंडित जी बैठे नीचे, पटेल साहब ऊपर, और पंडित जी ने कहा पटेल साहब राम राम। पटेल साहब बोले चलो दिखाओ भागवत कैसी होती। पंडित जी चक्कर में पड़ गए, भागवत को दिखाने की होती
सुनने की हो तो देखा सारे बच्चे भी इकट्ठे हो गए। पिटारा खुलेगा क्योंकि महाराज जी के हाथ में कपड़े में लपटी हुई भागा, पिटारा खुलेगा इसमें से कुछ निकलेगा, सब देखने को आते, पूरा गांव कभी भागवती नहीं देखा। दिखाओ, इतने में पत्नी ने अंदर से आवाज दे दी, सुनो भोजन बन गया, जाओ। पटेल साहब वो तो पिटारा खोलने की तैयारी में, पंडित जी और ये भोजन करने चले गए और पटेल साहब वापिस आए, बच्चे उनके छोटे छोटे, पापा हमको भी दिखाओ भागवत, दिखाओ भागवत, दिखाओ। जितने अड़ गए, पंडित जल्दी दिखा। अब पंडित जी ने जो भागवत खोली और पहला महात्म पढ़ने वाले थे, इतने में तो सेठ जी जो पटेल साहब थे वो गुर्राटा भर रहे थे। पंडित जी सोचे अच्छी आफत में फंसे दादा, अच्छी आफत में, बड़े विचित्र गांव में फंसे, जो लोग भागवत को ही नहीं पहचाने, पंडित को नहीं पहचाने, क्या करूं मैं। इतने में सेठ जी ने कहा तूने अभी तक पिटारा नहीं खोला, और सेठ जी उठकर पंडित पर क्रोध कर तुरंत एक गमछा पड़ा था उठाकर मार दिया। जैसे पंडित जी को मारा, पंडित जी क्या आ गया गुस्सा, बता पंडित जी ने सेठ जी को पोथी से जो दोचा। सेठ जी तो पंडित को मारे, पंडित सेठ को मारे, ने दोनों लुढ़कते लुढ़कते पहले जमीन के अंदर ऐसा खड्डा खोद के उसको लीप के उसमें अनाज रखते थे, वो खड्डे में दोनों गिर गए। खूब लड़ रहा है पंडित, दोचे जाए सेठ जी के, पटेल के खूब मारे और सब लोग ताली बजाए। अब जोरदार हुई भागवत, क्या जोरदार हुई है, बहुत जोरदार भागवत। ऐसी भागवत तो अपने बाप जमाना में नहीं देखी। पंडित जी ने दो दोचा, सेठ जी के इतना दोचा लाल पीला डाल के ऊपर चढ़ के पंडित जी बाहर आए, पोथी उठाई चल दिए। गांव के सारे लोग इकट्ठे होके बोले, पटेल साहब ये तो तुम्हारी हिम्मत थी जो भागवत हो गई, नहीं तो किसी के बाप के दम में नहीं इतनी जोरदार भागवत हो जाती। तो तुम दमदार थे जो झेल लिए भागवत का बजट, भागवत का बोझ। तात्विक सुख का मछली बढ़ रही है आकांक्षाओं की तरह, मन और मसान कभी नहीं भरा था। मन में वस्तुओं की चाह बनी रहती है और मसान में मुर्दे जलाते जाओ, मसान खाली की खाली रहता है। वस्तुओं की चाह में बढ़ते। एक बात बताओ, जब घर छोटा था, मामा काका बुआ फूफा कोई भी आ जाए सब उस घर में रुक जाते थे, और कितना प्रेम होता था, सब एक दूसरे से स्नेह करा करते थे, सब एक दूसरे से प्रेम करते, और धीरे धीरे घर बढ़ता चले गया, एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल। ईमानदारी से कहना, किस किस का मकान है दो मंजिल का, हाथ उठा, उठा लो, शर्माओ मत, उठा लो, धर लो। अब ईमानदारी से बोलना, मकान बनने के बाद में तुम कितनी बार छत पे गई, कितनी बार, दो या चार बार, पांच बार, छह बार, इससे ज्यादा। दो मंजिल के मकान की बात कर रहा हूं, एक मंजिल नहीं, दो मंजिल। मकान इतना बड़ा, इतना विस्तार, पर छत पर भी जा नहीं सकते। एक पानी की बाल्टी अगर उठा कर ले जाए या कपड़ा, एक बार चढ़ी जाए तो दूसरी बार तो हाफड़ी भरा के बैठी जाए, आज चढ़ी थी कल उतरे नीचे। वस्तु बड़ी है, आकांक्षा बड़ी है, इच्छा बड़ी है, विषय बड़ा, पर मन छोटा होते चला गया। मन छोटा, और मन की जब आसक्ति, मन जब बड़ा हो
दुनिया के लोग कहते हैं सुदामा गरीब था, दुनिया के लोग कहते हैं सुदामा भिखारी था, दुनिया के लोग कहते हैं सुदामा दरिद्र था। भागवत कहती है याद रखना, सुदामा जैसा तो दुनिया में कोई सेठ नहीं था जो भगवान के दरवाजे पर भी खाली हाथ नहीं गया था। सेठ नहीं था सुदामा, क्या बड़ा धन अपने जगह। दुनिया का सबसे भिखारी व्यक्ति कौन सा होता है? दुनिया का सबसे दरिद्र व्यक्ति वो है स्वयं खा लेना, कमा कमा कर औलाद के लिए छोड़ देना। अपने भोग में भी खर्च ना करना, अपने भोग में। मैं बोलूंगा तो बुरा लगेगा क्योंकि जजमान लोग बैठे हैं, बाबई के भी जजमान बैठे हैं। बाबई में एक नगर से, अब बोली दूं, नगर से और उनकी बहू ने हमारा निमंत्रण रखा, गुरुजी भोजन करने आना। मैं कहा ठीक है। सब लोगों को मालूम पड़ा तो सब आश्चर्य में पड़ गए। एक व्यक्ति तो खेड़ापति को नारियल चढ़ाने चले गया। हमने पूछा क्यों, कि इनके घर में जिंदगी में पहली बार कभी बामन का भोजन हो रहा। अच्छा, ये कभी दान पुण्य करे सेठ जी और आज बामन भोज, तुम लोग बोल रहे हो, अपने को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा होता है। गए अंदर पहुंचे, सेठ जी पास के कमरे में थे, कांच रख के कैंची से और कंघे से बाल काट रहे थे। कौन? सेठ जी। हमने सोचा कहीं का पगला हो, हमने बहू से पूछ लिया ये कौन है। गुरुजी हमारे ससुर हैं। हमने कहा तो ये बाल क्यों काट रहे हैं? गुरुजी नाई के यहाँ 50 रुपए लगते हैं, खुद ही काट ले, खुद काट रहे। आप नहीं मानोगे, सेठ मरा तो बाबई के उनके लड़के थे 3 सेठ जी के, एक लड़का हंडी उठा लिया, 2 लड़का कंधा दे रहे हैं। नगर गांव के 2 आदमी भी नहीं मिले तो जो काम करते थे झाड़ू पोछे वाले उनने कंधा दिया। जिंदगी में कभी धर्म ही नहीं करा, पुण्य नहीं करा, सत्कर्म नहीं करा, कभी किसी से मीठी वाणी नहीं बोले और जोड़ा तिजोरी में रखा और मर गए, तो ऐसी जिंदगी किस काम की है? ऐसा कहीं की जीवन स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ा कर खाना विकृति है और बांट कर खाना ये भारत देश की संस्कृति है। बांट कर खाए जीवन की सार्थकता हो, कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा ना रहे। हमारे घर में आया है कुछ पाई है, पहले नियम था हाथ जोड़ करके थे भैया कुछ खा कर जाना, कुछ मुंह झुका करके जाना, पाई है पा कर जाए, स्वयं खाए, स्वयं जोड़ा, स्वयं रखा, जोड़ लिया। धन्य आप सभी, पुण्यभागी हैं आप सभी जो आप अपने हाथों से दान पुण्य धर्म कर रहे हैं। किस्मत वाले हैं जो कार्तिक के महीने में आंवला नवमी के दिन आपका जो दान पुण्य हो रहा है, अक्षय दान, अमर दान, ये पुण्यता है तुम्हारा। जो कथा को श्रवण कर रहे हो, अपना दरवाजा छोड़कर तुम भगवान की कथा में पहुंचे हो। कहां से? अपना दरवाजा छोड़कर, घर छोड़कर। और जरूरी है, इधर ये गली में किसी का घर है, हमने उनसे कहा माता जी कथा में नहीं आ रही हो? कहे गुरु जी हमारे दरवाजे तक आवाज आ रही है। अच्छा मां बैठने की जगह नहीं, हमारे यहां तक आवाज आ रही है। हमने कहा ठीक है, अब तू बोल रही कि यहां तक आवाज आ रही है और अंतिम समय में तेरे प्राण छूटे और तू भगवान को बुलाए भी तो भगवान बोल देगा मेरे दरवाजे तक भी आवाज आ रही है। जब तू अपना घर छोड़कर नहीं आ सकी तो मैं बेकुंठ छोड़कर क्यों आऊं? तेरे लिए क्यों आऊं?
भैया भागवत जी में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, भागवत कथा में वेद व्यास जी वर्णन करे कि भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता रुक्मणी से जाकर कहना कि तू श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर चली जाना। भगवान ने ये नहीं कहा कि तू श्रृंगार करके ओटले पे खड़ी मिल जाना। बोला क्या भगवान ने कि तू तैयार होकर ओटले पे मिलना, मैं गाड़ी लेके आऊंगा तो लेके निकल जाऊंगा। भगवान ने ये नहीं बोला। भगवान बोले, रुक्मणी तो श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर आ, मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा। क्यों? भगवान जानते थे अगर श्रृंगार करके दरवाजे पर खड़ी रहेगी तो परमात्मा नहीं आने वाला। कई लोग कहते हैं हमारे दरवाजे तक आवाज आ रही है, तो ये विचार मत करना कि भगवान तुम्हारे दरवाजे तक आवाज आ रही तो बैकुंठ तक तो आवाज जाएगी तुम्हारी भी। तुम किसी के यहां जाओगे तो कोई तुम्हारे यहां आएगा। तुम भगवान के दरवाजे तक उसकी बारात में जाओगे तो एक दिन तुम्हारे बच्चों के विवाह में भी वो तत्पर खड़ा होकर आगे आ गया। तुम पहुंचो, आदान प्रदान का जमाना है। तुम किसी के यहां जाओगे तो कोई तुम्हारे यहां आएगा। और तुम अगर अपनी बहू को भेज दोगी तो तुम्हारी बहन के घर शादी में, तो तुम्हारी बहन क्या करेगी अगली बार? वो भी अपनी बहू को भेज देगी। और ईमानदारी की बात बताओ, बहन के घर शादी में बहन जाती है थोड़ा फैलारा उठा लेती है, काम समेट लेती है, और बहन के घर शादी में बहू जाती है डेंटिंग पेंटिंग करके खजूर वाली चोटी करके बैठी रहती है, कुर्सी पे चाय, कुर्सी पे नाश्ता। क्यों? हम तो मासी सास के यहाँ, हमें क्या करना? बहन आती तो काम करती, बहू आई तो फैलारा पड़ा, पड़े रहने दो, वो नहीं उठाएगी। उठाएगी क्या? अरे बोलो तो नहीं, वो तो अपने पति के साथ एक ही प्लेट में दोनों चरेंगे। भेरू सिंह और भेरू की लुगाई दोनों खाए, पर उन्हें काम से मतलब ही नहीं। पर इस जगह पर अगर बहन आती फैलारा उठाती। बस उसी तरह की कथा है, आप अगर भगवान की कथा में गए हो तो भगवान भी आपके दरवाजे पर है। और आपने कह दिया मम्मी तुम चली जाओ या बहू तू चली जा कथा में, तो भगवान भी तुम्हारे अंतिम समय में कह देगा यमराज तू चले जा। ये अपने रिश्तेदार को भेजे, मैं अपने रिश्तेदार को भेजूं। और सत्य बात तो ये है, भगवान आता है तो गोदी में लेकर जाता है, और वो यमराज आता है तो पाड़े की पूंछ से बांध के दोस्ता दोस्ता लेके जाता है। ये जरूर है कि मेरे भगवान के पास समय फोर व्हीलर गाड़ी नहीं है। क्या नहीं है? फोर व्हीलर उसके पास में नहीं है। हमारे कार्यालय पे लोग कह रहे थे तुम मोटरसाइकिल से घूम रहे, फोर व्हीलर गाड़ी कहां गई, क्यों नहीं जा रहे यार? हमने कहा भैया देखो, सीहोर में अगर फोर व्हीलर गाड़ी से घूमते हैं ना तो मेरी माओ के बीच में अच्छा नहीं लगता कि मेरी माताएं पैदल जाए और मैं फोर व्हीलर से जाता फिरूं। मैं इनका बेटा हूं, टू व्हीलर से ही भला हूं, क्या करना। सारे देवता, यमराज आता है तो ब्लैक कलर के स्कॉर्पियो में आता है, और मेरा सावरी आता है तो गरुण पे टू व्हीलर पर आता है। क्यों? उसको मालूम है कि फोर व्हीलर और टू व्हीलर, अच्छा ईमानदारी से बोलो, बैठने में सबसे ज्यादा आनंद काय में आता है? जम के तो बोलो, टू व्हीलर में। क्यों? फोर व्हीलर में वो इधर तुम इधर, और टू व्हीलर में बस भगवान से कह देना मैं जाऊंगी तो तेरे साथ जाऊंगी, और टू व्हीलर पर उस गरुण पर बैठकर तेरे धाम में पहुंच जाऊंगी। मुझे ब्लैक स्कॉर्पियो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही। और वो गीत है ना, वो भजन वो पहले गाती थी, पहला संदेशा मारे ससुर जी काया या ढोकरा के साथ, दूसरा संदेश हमारे जेठ जी का आया या मुछंदर के साथ, आखिरी संदेश हमारा पिया जी का आया तो नंगे पैर दौड़ चली गई, नहीं रुक सकती। बस वो आखिरी संदेशा मेरे परमात्मा का रहेगा जब हमको दौड़ कर चले जाना है, फिर कुछ सोच नहीं, फिर नहीं सोच। बुलाए
अंतिम दिन मछली बड़ी बड़े पात्र से एक तालाब में रखी, तालाब की आकृति की होगी, विनती करा कौन हो तो कहा मत्स्य स्वरूप में भगवान ने आवाज लगाई, मत्स्य हरिग्रीवा ने वेद ले लिया, उसको मारना पड़ेगा, वेद लाना पड़ेगा, जब तक पृथ्वी जल में डूब जाएगी, इसलिए निवेदन है एक नाव तैयार करो, मैं तुम्हें पार करूंगा। और नौका लेकर सत्याव्रत चल दिए, नाव लेकर मत्स्य स्वरूप में भगवान का इंतजार करते हुए चल दिए। जहां विराजे राधा रानी हरि अलबेली सरकार सांवरिया ले चल परली सांवरिया ले चल परली सांवरिया ले चल परली दोनों हाथों से ताली से बजे जहां विराजे राजे राधा रानी सिखों की सरकार सावरिया ले चल परलीपा सावरिया ले चल परलीपा आनंद धन्या
बरस रहा है, आनंद गलियां बरस रहा है, ओ पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, के पी पी के कोई बरस रहा है, पी पी के कोई बरस रहा है, ओ देर भई अब आ रे मोहन, अब आ रे मोहन, ओ देर भई अब आ रे मोहन, देर भई अब आ रे मोहन, ओ क्यों छोड़ा मझधा सवरिया ले चल पर लिपा, सवरिया ले चल पर लिपा, सवरिया ले चल कर लिपा, सवरिया ले चल कर लिपा, हो मन धन सब तेरे अर्पण, धन मन धन सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, ओ यह जीवन भी तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण, मैं तो तेरे संग चलूंगी, मैं तो तेरे संग चलूंगी, ओ मैं तो तेरे संग चलूंगी, मैं तो तेरे संग चलूंगी, ओ ले चल मुझको पार सवरिया, ले चल परली 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 पार, जय जय श्री मूल जहां पर विराजमान है, ऐसे भगवान मत्स्य स्वरूप में आकर नौका को पार लगा दिए हैं, चारों तरफ सुख समाहित हो गया, आनंद स्थापित हो गया। एक बार जोरदार राधे नाम का स्मरण करें, जय जय श्री, आवाज नहीं आई, दीन बंधु दयालु दया कीजिए, नहीं बोलो, नहीं बोल रहा, अच्छा राधे, बहुत बहुत क्या जोरदार बोल रहे हो, ईमानदारी की बात है, भगवत भगवान की कथा कह रही है। मत्स्य स्वरूप में भगवान ने नैया को पार लगाया, आगे राजा अमरीश का चरित्र आया, 60,000 काकाओं के उद्धार की कथा, गंगा का अवतरण, और उसके बाद जो चरित्र आया है सूर्यवंश में, खटवाक के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र राजा रघु, रघु के पुत्र अज, अज के पुत्र दशरथ, और दशरथ जी महाराज के चार पुत्र राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, एक भी संतान नहीं थी, पर भगवान की कृपा से, भगवान जब देता है तो जम के बोलो छप्पर फाड़ कर, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, पर हमारा पाप हमसे जब लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है, पुण्य देता है और प्रसन्नता में देता है, पर पाप जब लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है, रुला रुला के लेता है, मैंने दिया था तूने सत्कर्म में नहीं लगाया, मेरा दिया हुआ धन तूने सत्कर्म में नहीं लगाया,
वैश्यावर्ती में, जुए में, मदिरा में, मांस में, हर जगह पर उस धन को गलत जगह पर लगा दिया, पर सत्कर्म तक उस धन को नहीं पहुंचा पाया। और जब मौका मिला सत्कर्म करने का, तब हाथ बांध कर बैठा रहा। तो अब पाप जब लेगा तो थप्पड़ मार कर लेगा, हिसाब पूरा करेगा। अच्छा ईमानदारी से बताओ, तुम अपने बेटे को 100 रुपए दी, कितने रुपए? 100। और बेटे से कहा जा 25 रुपए वाली सरफ की थैली लिया और 5 रुपए का बिस्कुट का पोड़ा, कितने हो गए? 30। बेटा लेकर गया सरफ की थैली और बिस्कुट का पोड़ा लाया, आपने हिसाब लिया कि नहीं लिया? अरे बोलो तो लिया ना। क्या कहा बेटा, कितने का आया? मम्मी 25 की सरफ की थैली, 5 रुपए का बिस्कुट का पोड़ा, बाकी के पैसे ये लो। लिया कि नहीं लिया? जब एक माता पिता अपने बेटे से, एक बाप अपने पुत्र से 100 रुपए का हिसाब ले सकता है, तो वो सांवरिया भी तो 100 साल का हिसाब लेगा कि नीचे जाकर करा क्या था। 100 साल का हिसाब लेगा। बचपन कहां गवाया, जवानी कहां गई, अधेड़ी कहां गई, और बुढ़ापा कहां निकला, जितनी श्वास मिली थी वो कहां गवाई। तो चिंता मत करना, तुम भी कह देना हम सीओर जाके कथा सुन के आए थे। विश्वास नहीं हो तो पूछ लो किससे, जिसने घर पे बर्तन मांजे हो, क्योंकि अभी तो 9:30 बजे तो तुम यहां आ जाते हो, तो घर पे जो काम कर रहा हो उससे पूछो हम गए थे कि नहीं गए थे। अब यहां भगवत तात्विक सुख और उस भजन का, चित्त चिदानंद वृत्ति का सुख हमारे जीवन को आनंदित करने वाला है। साक्षी हो भगवान की वो पावन कथा जो जीवन का सुख प्रदान करने वाली। महाराज भागवत कह रही है, राम जी महाराज का प्रागट्य हुआ मात्र थोड़ी सी खीर प्रसाद को पाने से, पुत्र कामिष्ठी यज्ञ के प्रताप से, पुत्र कामिष्ठी और खीर आई, और वो खीर कौशल्या और केकई ने ली, थोड़ा थोड़ा भाग सुमित्रा जी को दिया, तीनों का गर्व ठहर गया। चैत्र का महीना, नौमी तिथि, दोपहर के 12 बजे राम जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। जोरदार ताली बजाएं, बोल रामचंद्र भगवान की, पूरी अवधपुरी में आनंद हो गया। और 4 पुत्रों का जन्म हुआ, गुरु बाबा ने उनका नाम रख दिया राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। भगवान राम जब प्रगटे, माता कौशल्या ने उनको रोने का कहा है। आपको कथा में कहा था, बच्चे का जन्म होता है तो डॉक्टर सिस्टर उसको धप मार के रुलाते हैं, रो, आज रोएगा तो मरेगा, तब तक रोना पड़ेगा। मुस्कुराने के लिए तो केवल ये 7 दिन मिल पाते हैं भागवत के, और लोग उसको भी छोड़ देते हैं, रो। और देखो भगवान रोया तो ओम ओम कर रोया, और हमारे घर के बच्चे रोते हैं तो काय काय करके रोते हैं, मेरा हिस्सा काय, मेरी मम्मी काय, मेरा पापा काय। कल एक किसी माता का छोरा घूम गया, गुरुजी लाल स्वेटर पहना है, मिल नहीं दिया, ये स्वेटर के चक्कर में मुझे कुंभ का मेला याद आ गया। कुंभ के मेले में हमारी वो लंबी अगरबत्ती थी 108 फीट की, उज्जैन में, उसके पास में टेंट लगा था, कैंप लगाया था 1 महीने का। तो एक सीओर की अम्मा मिलने के लिए आ गया, हमने पूछा क्यों, छोरा के नहीं लई थी तो उसको तो छोड़िए, कहा स्टेशन, तो कहां का स्टेशन, के पुलिस स्टेशन,
तो छोरा के पुलिस स्टेशन क्यों छोड़ी आई? हमने पहले छोरा को सिखा दिया था, हम मेला में इसलिए ले जा रहे हैं तेरे को, तू चुपचाप चलना, जिद करेगा तो सोच लेना। हमने ले जाके एक जहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही था उसके पास में लड़के को छोड़ दिया, लड़के को दो चार लोगों ने ले जाके स्टेशन में दे दिया और हम पूरा मेला घूम लिए और वो दिन भर आवाज लगाते रहे। हमारा ये लड़का लाल कलर की टी शर्ट पहना है, जिस किसी का भी हो स्टेशन में आके ले जाओ, और पुलिस वाले उनको बिस्कुट खिला रहे, टॉफी खिला रहे, सब खिला रहे, और शाम को हम जाएंगे छोरे को वापस ले जाएंगे। मेला का मेला घूम लिया, छोरा उनने संभाल लिया और भूखा भी नहीं मरे। गजब के रे लोग, गजब के, कई कई चतुर पैदा हो, और दुनिया में कई लोग ऐसे रहे हैं इतना चतुर, इतना चतुर जिसका वर्णन नहीं। एक ट्रेन में एक बार सफर कर रहे लोग, एक डोकरा बैठा रामायण पढ़ रहा, इतने में चार पांच लोग वहां खड़े थे, पांचों लड़कों ने हंसी उड़ाने के लिए मन में सोचा चेन खींच दो ट्रेन की, अब ट्रेन की चेन खींच दो तो रुकेगी, पुलिस वाला आएगा तो। सब लोगों ने 100-100 रुपए निकाले, एक बार खींच के तो देखें, आएंगे तो 500 रुपए दे देंगे, उसमें लिखा है 500 रुपए जमा करना पड़ेगा, 500 उन्होंने इकट्ठे करके जेब में रख लिया। इतने में दूसरा चतुर था वो बहुत, उसने कहा तुम तो चेन खींचो, ये बुड्ढे का नाम लगा देंगे, इनने चेन खींची, ट्रेन रुकी, टीसी आ गया, पुलिस वाले आ गए, चेन किसने खींची? इतने में पांचों लड़कों ने कह दिया डोकरे ने खींची। अब बेचारा डोकरा तो रामायण पढ़ रहा था, उससे पूछा बाबा तुमने चेन खींची? हाँ। काय को खींची? इन पांचों ने मेरे 500 रुपए ले लिए। तुमने देखे कहां रखे? ये पीली शर्ट वाले के ऊपर वाली जेब में। पुलिस वाले ने चार डंडे खुदाए, 500 रुपए निकाल के रामायण पे चढ़ाए। राम बोलो, अब वो चला गया। राधे, 500 रुपए चढ़ा के बहुत चतुर चार भगवान की कृपा से हुए हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जोड़ियां बन गई। मेरा ये पूरा जो पंडाल की व्यवस्था है साइना डेकोरेशन की ओर से करी गई है। मेरा अजय से जहां कहीं भी हो, साइना परिवार से, साइना डेकोरेशन से एक विनती रहेगी। आज माताएं बहुत धूप में खड़ी रही हैं क्योंकि पूरे पंडाल भरे हुए हैं। निवेदन है इस पंडाल से टच करके उस पंडाल तक में जितनी भी जगह हो, धूम अपनी जगह पर काम करेगा, परंतु इनके ऊपर छांव हो जाए ऐसे टेंट की व्यवस्था अजय जी सोनी साईनाथ वालों से निवेदन है कि वो जरूर करें। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। तो इतनी व्यवस्था जरूर करें बिछाने की, बैठने की और छांव। भगवत तत्व का सुख हो, आनंद हो, और भगवान राम जी महाराज का प्रागट्य हुआ, आनंद समाहित हुआ, नामकरण संस्कार हो गया, बालक बड़े हो गए, गुरु घर पढ़ने के लिए गए, विश्वामित्र जी महाराज उनको लेकर गए, और समय आया जब विश्वामित्र बाबा ले गए, ताड़का का संहार करवाया है, मारीचादिक राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करी, जनकपुरी से तत्र आया और भगवान जनकपुरी की ओर। जनकपुर की नारियां राम जी को देख रही हैं, पर राम जी ने किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा। राम जी नीचे निगाह कर जा रहे हैं, ऊपर देख नहीं रहे मेरे को कौन देख रहा है। वो तो राम जी थे जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए उन्होंने किसी की छत पे नहीं देखा। अगर भगवान कृष्ण होते तो नीचे नहीं लगा के ऊपर चढ़ जाते। वो तो राम थे, मर्यादा में थे, मर्यादा पुरुषोत्तम गए। जनकपुरी में धनुष यज्ञ हो रहा है, बड़े बड़े शूरवीर जब धनुष को उठाने से हार गए, मेरे राम जी महाराज ने धनुष को उठाया, चढ़ाया, धनुष टूट गया, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, चारों तरफ सुख हो गए महाराज, चारों तरफ धनुष टूटा, सीता मैया जयमाला लेकर पधार। देखिए आप लोगों ने जयमाला, स्टेज प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है।
जब लड़की माला लेके चलती है तो पीछे दोस्त का लहंगा पकड़ के चलती है। मेरे को अभी तक यही समझ में नहीं आया, उससे उसका लहंगा नहीं संभले तो घर कहीं संभालेगी। कोई पूछ रहा था, गुरुजी पहले भोजन होने के बाद में हर भोजन के बाद झाड़ू लगती थी, आजकल नहीं लगती क्या? हमने कहा लगाने की क्या जरूरत है शादी में झाड़ू, माता इतना लंबा लहंगा पहन के आती, जहां से जाती वहीं का डिस्पोजल साफ कर जाती, काहे खर्चा करो। चलिए मैया सीता माला लेते राम लंबे सीता विनती करी, राम झुके नहीं और लक्ष्मण जी ने धोक लगा दी, राम उठाने के लिए झुके, सीता जी ने जयमाला पहना दी, जानकी जी ने माला पहनाई, विवाह निश्चित हुआ। अवधपुरी से बारात आई है जनकपुरी, मंगल विवाह की तैयारी बनाया, जनक जी ने केवल बनवाया तो भोजन में दाल और चावल बनवाया, क्या बनवाया? दाल चावल। पूछ लिया जनक जी, एक राजा के लड़के की शादी और लड़की की शादी तुमने कुछ नहीं बनवाया? महाराज गुलाब जामुन बनाता तोड़कर खाना पड़ती, इमरती बनाता तोड़कर खाना पड़ती, जलेबी बनाता तोड़कर खाना पड़ती, पूड़ी बनाता तोड़कर खाना पड़ती, ये तोड़ने के चक्कर में कहीं रिश्ता नहीं टूट जाए इसलिए मैंने तोड़ने की सामग्री नहीं बनाई, मैंने तो दाल चावल बनाया, जैसे दाल में चावल मिल जाए अपन दो संधि मिल जाए, दाल चावल खाइए राम गुण, दाल चावल तोड़ने का नहीं जोड़ने का। अब प्रेम से आनंद से बारात छह महीना रुकी, छह महीने आने में लगे, छह महीने पहुंचने में लगे, दरवाजे पर वापिस पहुंची, सासुओं ने बहुओं की आरती उतारी, कितनी बहु आई थी? चार, सास तीन, बहुओं की आरती उतारी। बस एक मौका मिलता है सास को बहू की आरती उतारने का, जब पहली बार बहू घर में आती है, उसके बाद तो बहू रोज सास की उतार देती है। किसी किसी की तो दिन में तीन बार भी उतर जाती है, समय निश्चित नहीं आ रहा, निश्चित हो तुम्हारा तो। अब कलम मां कुर्सी पे बैठे ऐसे फालतू लोग फालतू बात करने आते हैं, कुर्सी पे बैठे लाल वाली पे हम अनाउंसमेंट कर रहे, एक भाई आ गया वो कुर्सी लगा के बैठ गया, गुरुजी एक प्रश्न करना है। हमने कहा बोल, का प्रश्न करना? कि गुरुजी भगवान के मंदिर में जितनी भी सामग्री है सारी स्त्रियों के नाम पर है, रोली कुंकू हल्दी मेहंदी मोली अगरबत्ती धूप बत्ती दिया बत्ती दिया आरती पूजा, पुरुष का एक भी नाम नहीं है। हमने कहा कैसे नहीं है? घंटा एक, एक, अरे एक एक, 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 एक। और वो गेट पे जो अंदर काहे के वो कुर्सी लेके वापिस चले गए। हम जा रहे, हमने कहा भोजन करा, बापले अंदर खा लिए बाटियां खा ली, भगवत तत्व राम कृपाल। अवधपुरी थोड़े समय का था, मंथरा ने भड़का दिया, आग लगा दी के कई के चित्त में वृत्ति में 14 वर्ष के लिए राम वन चले गए, राम बन गए, राम बन गए, बन जाने में बनना है और बने राम, पहुंचे। समय आया शबरी अम्बा के दरवाजे पर पहुंचकर बेर खा लिए, भिलनी के झूठे बेर खा लिए। समय आया पहुंचे और आगे, और सीता जी का हरण हुआ, ढूंढते ढूंढते पहुंच गए लंका में,
समय के अनुसार रावण को धराशायी होकर गिराया और सीता जी को ले जाकर अयोध्या का राज्य स्थापित कर दिया। राजा रामचंद्र भगवान की। समय आया, धोबी की वार्ता सुनकर सीता जी का परित्याग करा, लव कुश का जन्म हुआ। अब जिस कथा का आपको इंतजार है उस कथा की ओर चलते हैं। बड़े आनंद से, भाव से सूर्य वंश के बाद चंद्र वंश की कथा का विस्तार करा कि कथित तो वंशम विस्तारो भवताम सोम सूर्य राज्ञ चोभाय वंशानाम चरितम परमाद भूतान। मथुरापुरी पर सूरसैनिकाधिक राजाओं का राज्य था। कंस अपने काका की लड़की देवकी को छोड़ने जा रहा था। आकाशवाणी हो गई, तो जिसे छोड़ने जा रहा है इसी देवकी का अष्टम पुत्र तेरी मृत्यु का कारण है। कंस देवकी को मारने के लिए आतुर हो गया। वसुदेव जी ने विनती करी, छोड़ दो, इसकी जितनी औलाद होगी तुम्हें देंगे। पहला पुत्र हुआ, ले जाकर देने के लिए आतुर था। जैसे ही गए, कंस ने कहा मुझे पहले से क्या करना, ले जाओ मेरा दुश्मन आठवा है, लेके जाइए। पहला पुत्र वापस कर दिया। धीरे धीरे सात पुत्र का क्रम जो आने लगा, इतने में देव ऋषि नारद ने जाकर ज्ञान दे दिया, हो सकता है पहले ही आठवा, आठवा ही पहला हो। कंस ने ले जाकर पुत्रों का वध कर दिया, देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया। और आठवा गर्भ था अष्टम गर्भ। वसुदेव जी ने अपनी पत्नी के गर्भ की स्तुति करी, बालक को रोहिणी के गर्भ में स्थापित करा। भादो का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रात के 12 बज रहे हैं और भगवान पधार रहे हैं। बोल गोपाल कृष्ण भगवान। ठीक रात के 12 बजे भगवान का प्रागट्य हो गया। वसुदेव जी महाराज कन्हैया को लेकर टोकनी में सुनाकर बेड़ियां टूट गई, द्वार खुल गए और वसुदेव लेकर चल दिए। आज कथा में विवाह का ये आज का आखिरी बुलवा रहेगा, इसलिए तीन बुलवों के आनंद में आप इस बुलवे को जरूर पधारें और अपने जीवन को धन्य बनाएं, सार्थक बनाएं। बड़े प्रेम से हल्दी मेहंदी यहाँ प्राप्त होगी, चूड़ियां आप लोगों को वितरित करी जाएगी, आप खूब लाड़ लड़ाएं। और हम तो फिर कहेंगे, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरूं मेरा सांवरा तो मेरा चूड़ा अमर हो जाए। ऐसा अखंड आपके हाथ में मेहंदी हल्दी और चूड़ी लगे कि जीवन आपका सार्थक सार्थक। और सबको लगाना, ये कल्लू जी के ब्याह की हल्दी मेहंदी, ये ना सोचो कि हम ना लगाए, लगाइए। आप जो भाव में उस भाव में लगाए, भगवान को अपना बनाने के लिए लगाए। वसुदेव जी महाराज पधार रहे हैं कि लेके चले रे वसुदेव कन्हैया जी को, लेके चले लेके चले रे वसुदेव कन्हैया जी को, लेके चले लेके चले रे वसुदेव कन्हैया जी को, लेके चले लेके चले रे वसुदेव कन्हैया जी को, लेके चले। बिन बोले सब खुल गए तारे, बिन बोले सब खुल गए तारे, नींद में सो गए तेरे वाले, नींद में सो गए मेरे वाले, टोकनी में लिया रे उठाए कन्हैया जी को, लेके चले टोकनी में लिया रे लेके चले वसुदेव कन्हैया जी को, लेके चले लेके चले रे वसुदेव कन्हैया जी को, लेके चले। जोरदार ताली बजाते हुए भगवान वसुदेव जी कृष्ण को लेकर पधारा। ताली बजाइए। बालक के ऊपर फूल कुछ भी मत फेंकना, ना टॉफी फेंके ना फूल फेंके, बच्चे के ऊपर कुछ नहीं फेंके,
बच्चा छोटा है उसके ऊपर टॉफी फूल कुछ भी नहीं फेंके। लेके चले वसुदेव कन्हैया जी को, लेके चले वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले। नंद घर आनंद भयो कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो कन्हैया लाल के, हाथी घोड़ा पाल की कन्हैया लाल के, हाथी घोड़ा पाल की कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो कन्हैया लाल की, हाथी दीना घोड़ा दीना और दीना पाल की, हाथी दीना घोड़ा दीना और दीना पाल की, नंद घर आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो कन्हैया लाल की, हाथी दीना घोड़ा दीना और दीना पाल की, हाथी दीना घोड़ा दीना। बैठ जाइए आप लोग अपनी जगह पर। नंद बाबा यशोदा पधारे, बच्चों की मम्मी को बुला लो। नंद बाबा यशोदा पधारे। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीना पाल के, आज के नंद महोत्सव के यजमान हैं प्रदीप जी जयसवाल, श्रीमती रेणुका जी जयसवाल। आज के नंद उत्सव के यजमान हैं श्री प्रदीप जी जयसवाल, श्रीमती रेणुका जी जयसवाल। नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद गया नंद भयो जय। नंद बाबा यशोदा आ जाएं जल्दी से, कन्हैया लाल की। नंद बाबा यशोदा पधारे। कन्हैया लाल की जय करो लाल के, यशोदा लाल के जय कन्हैया लाल। नंद बाबा यशोदा सिंगराए। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। जोरदार ताली बजाए। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल के, कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल के, कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल के, नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल, नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल के, लाला भयो जय कन्हैया लाल की। आज के नंद उत्सव के यजमान श्री प्रदीप जी जयसवाल, श्रीमती रेणुका जी जयसवाल। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल के, ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल के, ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल के, नंद घर आनंद भयो जय यशोदा लाल के, घर आनंद भयो जय यशोदा लाल के।
बोल गोपाल कृष्ण भगवान की। भगवान कृष्ण का दर्शन कर लें आप लोग। और बोल गोपाल कृष्ण भगवान की। नंद महोत्सव का आनंद आप लोग अपने स्थान पे खड़े होकर भी ले सकते हैं। अरे मच गया शोर सारी नगरी रे आया विरज का बाबा संभाल तेरे गगरी रे आया विरज का बाबा संभाल तेरे गगरी रे मच गया शोर सारी नगरी रे आया विरज का बाबा संभाल तेरे गगरी रे आया विरज का बाबा संभाल तेरे गगरी रे आला जरा मटके संभाल बजवाला गोविंदा आला रे आला जरा मटके संभाल बजवाला पूरे दो तीन चार संग पांच के साथे वाला एक दो तीन चार संग पांच के साथे वाला गोविंदा आला रे आला जरा मटके संभाल बजवाला गोविंदा आला रे बोल गोपाल कृष्ण भगवान की।